एवरीथिंग टुगेदर से वे आउट क्या है रिसर्च के लैंग्वेज में लोग कहते हैं ट्रांजिशन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस विच कनेक्ट वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। और इसको लेकर रिसर्च राइटिंग रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यूज ट्रांजिशन सेंटेंसेस टू इंप्रूव द फ्लो ऑफ योर पेपर, especially for the first and the last sentences in a paragraph. Paragraph का first sentence और last sentence. अभी इस पर focus करने की जरूरत है, जो transition sentence है अभी उस level पे वो matter करेगा, that will help you connect one paragraph with the following. Then comes another very difficult area of the first draft of the paper, how to write a conclusion. How to write a conclusion. यह भी एक बड़ा trap है, जहाँ हम सब कुछ लिखने के बाद we find ourselves at a complete loss. अभी यहाँ क्या लिखें, हम तो सारा कुछ लिख दिया, अब क्या लिखते हैं? नॉट जस्ट लाइक एन एसे कंक्लूजन, द रिसर्च पेपर कंक्लूजन इज नॉट डिफरेंट। सो व्हाइल स्क्रिप्टिंग कंक्लूजन फॉर योर रिसर्च पेपर, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू एंश्योर is restate your thesis. Restate your thesis. Reiterate your main evidence. Summarize your findings. In a way that is easy to understand, easy to comprehend. Don't add any new information in your conclusion. You can feel free to say your own personal perspective or interpretation. If you think it can help the reader understand the larger picture, the picture that your research paper or that you intend to present, not through your research paper. So this is about the step called writing the first draft. Regarding conclusion, restating the thesis, reiterating your main evidence, and summarizing your findings. Now, before I end, now I must talk about two more things, very critical to a researcher, right? One is citing your sources correctly. क्योंकि यहीं पे हम आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि एक को हम कहते हैं नकल, प्लेजियरिज्म की कैटेगरी में वो आ जाता है, और दूसरा रिसर्च पेपर की कैटेगरी। दोनों में अंतर कहाँ है? अंतर बस इस बात में है कि यू साइट योर सोर्सेस करेक्टली, you acknowledge the sources in your research. You are using sources without acknowledging them in your paper. Well, it will boil down to plagiarism. Intellectual theft is in it. And we have no option but to avoid that. Aaj ke date mein to aap bach nahi sakte, क्योंकि बहुत तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर अब आ चुके हैं जिसके जरिए जो ये बहुत आसानी से डिटरमिन हो जाता है
कि आपने जो राइटिंग की है वो तो प्लेजरिज्म के कैटेगरी में आता है नहीं। सो हाउ टू साइट सोर्सेस करेक्टली, as I have said time and again, that citations sets the research papers apart from other type of writings. Precise formatting. Precise formatting rules. आप सभी citations जो स्टाइल्स होते हैं उससे आप फैमिलियर हो। कि देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ साइटेशन रूल्स एंड ईच सेट नाउ इज नोन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पब्लिकेशंस। तो आपको पेपर राइटिंग करते हुए ये चेक करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि आप कौन सी फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉलो करेंगे। टिपिकली जैसा आप सभी जानते हैं, देयर आर टू फॉर्मेटिंग स्टाइल्स फॉर साइटिंग सोर्सेस। एक को हम लोग एमएलए स्टाइल कहते हैं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला नहीं, वो स्टाइल वाला अलग है। एक को हम एम एल ए स्टाइल कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और ये एम एल ए स्टाइल ऑफ साइटिंग सोर्सेस जो है ये जनरली यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जर्नल राइटिंग्स के, जर्नल राइटिंग्स। वेयर एज द एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, वो जनरली यूज किया जाता है बुक पब्लिकेशन। एमएलए स्टाइल जर्नल्स के लिए, रिसर्च पेपर के लिए यूज होता है, और एपीए स्टाइल बुक्स में ज्यादा से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, अभी थोड़े डिफरेंस के साथ अभी ये साइटेशन स्टाइल्स इस्तेमाल होते हैं जर्नल्स में और बुक्स। अभी इनके स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं, अभी उन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। जो अभी उसका एडवांटेज ये है जो कि इन स्टाइल्स को फॉलो करते हुए आप ऑटोमेटिक साइटेशन जेनरेट कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। वो फॉर्मेटिंग रूल्स क्या होंगे अभी अलग से आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। अभी इन स्टाइल फॉर्मेट स्टाइल को लेकर, साइटेशन स्टाइल को लेकर आप ऑटोमेटिकली भी जनरेट किया जा सकता है। इनिशियली जो करते हैं साइटेशन रूल्स अभी उसको अप्लाई करना थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग लगता है, बट वंस यू गेट गोइंग और बिकम यूज टू अभी यू डोंट फाइंड मच डिफिकल्टी नाउ व्हेन इट कम्स टू साइटिंग sources occur. Last but not the least is editing and proofreading. Never commit the blunder of not editing and proofreading your research paper now before you send out. It may be last step to research paper writing, but not of this importance. Because this helps your paper to correct all the mistakes if they have been. तो किस तरह के proofing होते हैं, किस तरह की editing होती है? अभी वो दो तरह की editing होती है। एक को हम लोग structural कहते हैं,
या आपके पेपर का जो से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर इश्यूज है अभी उसकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जरूरी है। और दूसरी एडिटिंग हम करते हैं फॉर वर्ड चॉइस, ग्रामर, स्पेलिंग चेक्स, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखते होंगे अच्छे जो जर्नल्स हैं और उनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, अभी हमारे आपके लिए उन पेपर्स को पढ़ते हुए कहीं भी कलम चला पाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन। उसी से उस जर्नल की क्वालिटी का अंदाजा होता है कि वो कितने केयरफुल रहे हैं, कितना फुल प्रूफ उन्होंने बनाया है। जहाँ तक स्ट्रक्चरल एडिटिंग की बात है, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट जो लिखा है वो क्लियर है, कंसाइज है या नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज पेपर है या नहीं है, पेपर जो पैराग्राफ्स हैं आपके पेपर के अभी उसमें लॉजिकल सीक्वेंस दिखता है या नहीं दिखता है, आपने जो डिटेल्स पेपर में इंक्लूड किया है अभी वो कितना वेल ऑर्गेनाइज है, आपने जनरलाइजेशन से अवॉइड किया है या नहीं किया है। तो रिसर्च पेपर में तो आप एक सेंटेंस भी अगर लिख रहे हैं उसको आपको वैलिडेट करना होगा विद स्पेसिफिक एविडेंस। अभी थीसिस के फेवर में, सपोर्ट में, अभी आपने जो आर्गुमेंट्स दिया है उसको आप किस हद तक वैलिडेट कर पा रहे हैं, आपने रेपुटेशन अवॉइड किया है या नहीं किया है, जो सोर्सेज हैं वो प्रॉपरली साइटेड है या नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल इश्यूज को आपको एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के अंदर एड्रेस करने की जरूरत है। जो दूसरा पार्ट है एडिटिंग और एडिटिंग का, वो लैंग्वेज को लेकर है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सेंटेंसेस में फ्लो होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, फिलर वर्ड्स और फ्रेजेस आपने कितना सही तरीके से इस्तेमाल किया है, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन का यूज कितना प्रॉपर। सो दीज आर फ्यू थिंग्स now which is expected of a researcher now while doing a research paper. Now to end, I would like to share with you few tools and resources when it comes to a research paper. और आप ऐसे कई लोग इन टूल्स और रिसोर्सेज से परिचित नहीं होंगे पहले से, जो परिचित हैं उनके लिए रेफरेंस करने का एक्सरसाइज है, जो परिचित नहीं है उनके लिए ये यूजफुल होगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर एडिटिंग करते हुए रिसर्च पेपर एडिटिंग। पहला है गूगल स्कॉलर, अपने नाम सुना होगा, क्योंकि आज के डेट में जब हम टेक्नोलॉजी से अभी हो चुके हैं तो अभी इन चीज़ों से हम फेमिलियर हैं। गूगल स्कॉलर, अभी ये गूगल का अपना सर्च इंजन है डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू एकेडमिक पेपर्स। तो इस गूगल स्कॉलर सर्च इंजन के जरिए आप जो नए रिसर्च है, जो नए सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अभी उनको आप आसानी से फैदम कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर एक फ्री है, फ्री टू यूज, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू यूज इंफॉर्मेशन। तो दैट इज गूगल स्कॉलर। Then you have Zotero, Z-O-T-E-R-O, Zotero. यह भी एक ओपन सोर्स रिसर्च मैनेजर है। इंटरनेट ब्राउज करके जो रिसर्च सोर्सेस हैं आपके टॉपिक से रेलिवेंट, आप उनको ब्राउज कर सकते, देख सकते। अभी दिस विल हेल्प यू ऑटोमेटिकली जेनरेट साइटेशंस एज़ वेल। जिस टॉपिक पे आप रिसर्च राइटिंग करना चाहते हैं अभी उसके लिए ये साइटेशन भी आपको खुद ब खुद जेनरेट कर देगा, सो दैट वे इट इज क्वाइट यूजफुल। देन अनदर टूल दैट इज बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड दीज डेज नाउ टू रिसर्च पेपर राइटिंग इज फोकस राइटर। फोकस राइटर,
अभी हम आपके लिए कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम लॉन्ग रिसर्च पेपर्स कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रेनुअस होता है, तो मेक इट लेस स्ट्रेनुअस ए फोकस राइटर काफ़ी यूजफुल है, जाके आपको लॉन्ग स्ट्रेचेस में डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड यदि करना है तो वहाँ ये काफ़ी यूजफुल है। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर दैट हेल्प्स रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्टिंग आइकन्स एंड स्टिक्स और डिस्ट्रैक्टिंग आइकन्स। आप कंप्यूटर में देखते हैं तो आप देखते हैं कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आइकन्स के लिए, तो इट हेल्प्स ऑल्सो दोज डिस्ट्रैक्शंस आइकन्स एंड इट हेल्प्स यू स्टिक ओनली टू व्हाट यू टाइप। ठीक उसी तरह से है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी इस चैनल पे जो फिल्में होनी हो बिना एडवर्टीजमेंट के आप अनइंटरप्टेड देख पाओ। ये रिसर्च पेपर राइटिंग में जो होते हैं फोकस राइटर का रोल कुछ इसी तरह का, सो इट हेल्प्स रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्टिंग आइकन्स एंड स्टिक्स ओनली टू व्हाट यू टाइप। ये फ्री टू यूज है, अभी आप कस्टमाइज बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मदद से। स्पेशल फीचर्स भी इसमें है लाइक टाइम्ड अलार्म्स है वो आपको अलर्ट करेगा, डेली गोल्स वो सेट करता है कर सकते हैं आप इसकी मदद से, और ये ऑप्शनल टाइपिंग साउंड इफेक्ट्स भी जनरेट करते हैं, सो दैट कीप्स यू एंगेज। नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रेंज रिसर्च राइटिंग देन यू हैव गूगल चार्ट्स, जिसको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं आज के डेट में, वेरी यूजफुल एंड फ्री ऑल्सो। विद दिस यू कैन क्रिएट सिंपल चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और हम आप जानते हैं कि आज के डेट में चार्ट्स एंड ग्राफ्स नाउ दे आर कंसिडर वेरी वैल्यूएबल एज एक्सेलेंट विजुअल एड्स फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिक डेटा। आप उनको यदि एक्सप्रेस करना हो तो उससे इफेक्टिव और दूसरा कोई जरिया आज के निर्माण नहीं चाहिए। मोर ओवर जो कॉम्प्लिकेटेड एविडेंशियल रिसर्च है अभी उसको एक्सप्लेन करने में भी ये काफ़ी एड करता है, हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप उससे भी फैमिलियर होते हैं उस टूल से, नोन एज ग्रामरली, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि किस तरह से यूजफुल है एक्चुअल में, बट माइंड यू इट इज अ डिसेप्टिव, इट गोज मच मच बियॉन्ड ग्रामर। दिस विल हेल्प यू ऑन वर्ड चॉइस, वहां को दिस विल हेल्प यू चेक प्लेजरिज्म, टेक्स्ट प्लेजरिज्म एंड मेनी मोर। Now I hope all this will help you help make your English sound more fluent. So thank you very much. This is all from my side. Thank you for patient listening. I can well realize that you must have been pain also because listening for longer hour. Now we are not used to it. We are more used to speaking out loud than I was. Thank you very much. There is always room for
improve, enjoy it. So if you can add to what I have spoken, I will achieve that. But I know I am not the ultimate voice on this issue. Now there is a lot more to discuss. I have touched only a very preliminary aspect of what we call the medicine. It is the right aspect of your country, the nature of this. पेपर रिसर्च राइटिंग पर एड्रेस करने की बजाय क्यों नहीं जो कहते हैं ऑडियंस को एक्सपोज किया जाए हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग एक्सरसाइज. ओके, हम लोग रैंडम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं. आस्क एनीबडी कि आपने यही टॉपिक क्यों किया सेलेक्ट, तो उनके पास उसके टेक्निकल आंसर्स नहीं होते, जनरल आंसर्स होते डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन टेक्निकल आंसर्स. अभी इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो मैंडेटरी तौर पर हमें इसको इंक्लूड कर रखा है.
सेमिनार, नए सेमिनार हॉल में शुरू कर रहे हैं और जिसमें मुझे कुछ करने के लिए कहा गया है। आप सब हमारे साथी हैं, हमारे प्रोफेसर अंचल सर का, हमारे की जेवियर्स के सिन्हा साहब बहुत बढ़िया से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बारे बताए, बहुत ही सुंदर है। और मुझे जो कहना है कि टीचिंग यानी हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं किसको, विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को। तो शिक्षक और छात्र ये दोनों में जो संबंध है एक बहुत गहरा संबंध है। परंपरा में चाहे इसको गुरु शिष्य कहते हैं, आजकल तो नया नाम हो गया शिक्षक से भी फैकल्टी आ गया। तो शिक्षक का काम शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी को ठीक रूप से शिक्षित करना। अब ये शिक्षित करना बात जो है, क्या स्कूल कॉलेज के बिना ये संभव है? पुराने जमाने में गुरुकुल था, अभी हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना है, इसके माध्यम से जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो विद्यार्थी बन रहे हैं, रियल एजुकेशन उन लोगों को मिल रहा है या नहीं, या सिर्फ कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, इससे वो लोग अपने को शिक्षित मान रहे हैं और जो होना चाहिए था शिक्षा के माध्यम से वो अगर नहीं है तो फिर ये शिक्षा को हम सही शिक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हरेक के अंदर वो पूर्णता है, लेकिन उसका प्रकाश करना, विकास करना यही शिक्षा है। आज कोई भी चीज को हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए इतने हम लोग को परेशान होना पड़ता है। तो टूवर्ड्स प्योरिटी एंड परफेक्शन, यानी इम्प्योर मतलब जो गलत है, प्योर मतलब जो सही है। तो जो भी काम करें हम पढ़ाई के मामले में भी उसी तरह से हम शिक्षक हैं, शिक्षक के शिक्षा देने में जो परफेक्शन है, परफेक्शन आएगा कहाँ से अगर हम अपने को सेल्फ डिसिप्लिन जो बोलते हैं आत्मानुशासन नहीं करें तो बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच एक बहुत बड़ी संबंध होता है। अनुशासित जीवन शिक्षक का विद्यार्थी के ऊपर को प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स स्टूडियस होगा, स्टूडेंट्स जो है कि वो एक ऐसे परिस्थिति से आता है जो कि हो सकता है कि उसमें उतना शिक्षा मिला नहीं है, उतना संस्कार मिला नहीं है, जिसके कारण वो स्कूल कॉलेज में आया है और उसी उसको और प्यूरीफाई करके अच्छे संस्कार दे करके
संस्कृत करना, कल्टीवेट कराना, उसके मन में कल्टीवेशन ऑफ गुड क्वालिटीज ये देकर के उसको कल्चर बनाना, जो असंस्कृत है, इम्प्योर है, उसको प्यूरिफाई करना, हम समझते हैं कि ये शिक्षकों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसलिए फर्स्ट बीइंग एंड बिकमिंग इज द प्रोसेस। हम स्वयं अपने को इस तरह से तैयार करें, हमारा जीवन इस तरह से अपने को बनाएं ताकि उसका प्रभाव हमारे आसपास पड़ोस, हमारा विद्यार्थी, हमारा कलीग्स, उसके ऊपर वो प्रभावित हो। इसी को हम कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े डिग्री लेते हैं लेकिन कहीं कहीं उसको एजुकेटेड फूल के रूप में भी गिना जाता है, शिक्षित मूर्ख, और नहीं तो फिर स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि इंटेलेक्चुअल ब्रूट और देख पशु, हाई इंटेलिजेंस है लेकिन उसका यूज जो है कि वो दूसरा तरफ से। इसलिए हमें जीवन हमारा इस तरह से बनना चाहिए, शिक्षित जीवन, एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, इस तरह का जीवन होना चाहिए। अगर हम बना रहे हैं तो फिर हम शिक्षक कहलाने के लायक हैं, नहीं तो फिर करके बोलेंगे कुछ किताबी नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन ये डिलीवर करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो कितना असर करेगा वो ही जानेगा। रियलाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज जो हम करते हैं शिक्षा के माध्यम से सब्जेक्ट मैटर में, एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, वो अगर हमें हो तो निश्चित रूप से उसका असर विद्यार्थी जीवन में आए और वो इफेक्टिव हो। लेकिन कुछ हम रट के आते हैं और स्टूडेंट के सामने कुछ वर्किंग कर देते हैं, उसको वो शिष्ट मान करके ग्रहण कर लेता है, फिर वो जाकर के अगला विषय के बाद में वर्किंग कर देता है, इसी से नंबर बहुत नंबर भी जाता है और फर्स्ट क्लास नंबर लिस्ट बन करके हाईली एजुकेटेड कहलाते हैं। रियल एजुकेशन जो है आज शायद बहुत दूर में रह गया है, इसलिए हमारे भारत सरकार ने अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है जिसमें एक्चुअली शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य, जो फाइनल अल्टीमेटम जो है, कैरेक्टर बनाना, शिक्षित मनुष्य का चरित्रवान होना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग एजुकेशन हमारे सिलेबस में आना चाहिए, आएगा, और उसी के अनुसार हम स्वयं को बना करके दूसरे को बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि बी एंड मैन, हम स्वयं बनेंगे साथ साथ दूसरे को बनाने का प्रयास करेंगे। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये नहीं कि हम मान जाएंगे उसके बाद बनाएंगे, ये तो दूसरी बात है। हमारा अंदर में अपने को डिफाइन करना, अपने को डेवलप करना, अपने को विकसित करना, कहाँ तक कि उस डिवाइन ईश्वरीय पोटेंशियल डिवाइन हर एक के अंदर वो है, उस दिव्यत्व की ओर जाने का जो प्रयास हमारा अंदर है कि इस शरीर में हम मनुष्य शरीर केवल अगर आहार निद्रा भय मैथुने से रहता है तो ये तो एक एनिमल लाइफ का जैसा हो जाएगा, उसका जैसा आचरण, उसका जैसा व्यवहार, उसका जैसा खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, इस तरह का मनुष्य का भी अगर हो तो उसको हम शिक्षित मनुष्य कैसे करें। जो एक पावर है मनुष्य और पशु में अंतर जो है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर,
जो कि मनुष्य को मनुष्यत्व में उन्नीत कर देता है, उससे भी देवत्व में उन्नीत कर देता है, डिविनिटी में, डिवाइन लाइफ जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो तो फिर हम जो है सोसाइटी के लिए, समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए हम बहुत माने महत्वपूर्ण काम करेंगे। शिक्षा और शिक्षण संस्था इंस्टीट्यूशन जो है ये उसका महत्वपूर्ण काम है। हम लोग पहले शिक्षक को लोग गुरु बोलते थे और विद्यार्थी को लोग शिष्य बोलते थे। शिष्य का मतलब डिसाइपल, वो शासित होगा किससे, गुरु से। गुरु का मतलब, गुरु जो है वो का मतलब तो अंधकार है, अज्ञान है, और रू का मतलब है प्रकाश के माध्यम से उसको प्रकाशित करें। अज्ञानता, इग्नोरेंस अगर स्टूडेंट्स में है, विद्यार्थी में है, तो हमारे नॉलेज को देकर के, हमारा ज्ञान की प्रकाश उसको देकर के उसको विकसित करेंगे, उसको ज्ञानालोक में ले आएंगे। उस ज्ञानालोक में आने से उसको ज्ञानानंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आज हम क्या उसमें सफल हैं, बच्चों को आनंदित कर पा रहे हैं, जो हम बताते हैं, जो हम कहते हैं, जो हमारा वाणी है, विचार है, जो पढ़ाई है, उससे क्या लोग खुश होते हैं? अगर खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा उसको जो है पढ़ाना, समझाना, वो सफल हुआ, सक्सेस हुआ। क्योंकि जिस तरह से कोई मंदिर में विग्रह को पूजा करते हैं लोग, अगर वो पत्थर भी है, उसमें अगर वो कॉन्शसनेस, चैतन्य बोध हो जाता है, वो पुजारी को पूजक जो है वो सक्सेस है, सफल हो गया। तो हमारे सामने स्टूडेंट्स जो है वो जड़ है, अज्ञान है, उसके अंदर अगर फुल कॉन्शसनेस आ जाए, चैतन्य बोध आ जाए, तो वो पूजक जो है, वो शिक्षक जो है, उसका जीवन सफल हो जाए। इसलिए स्टूडेंट्स और रिलेशन के बीच अगर हम संबंध, अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और सब जगह जगह हो रहा है, लेन देन, विद्या का बिक्री और ये सब जो हो रहे हैं, वो तो गिव एंड टेक, विद्या को बेचा नहीं जाता है, विद्या को दान किया जाता है, वो अटल खत्म हो गया। तो ऐसे विद्या जो विद्या से उसका जो अज्ञान है, जो बंधन है, वो मुक्त हो जाए, उससे वो छुटकारा मिले, जिसका कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अशांति है, वो विद्या अगर हम दे सकें तो वो तो आनंद में नाचे। ऐसा आज के सिलेबस में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में वो है नहीं, लेकिन जरूरी है अपने को विकसित करके दूसरे को विकसित होने का प्रेरणा देना, ये शिक्षक का काम है। सबसे सिंपल लेवल हाई थिंकिंग, ये पहले पुराने जमाने में था, शिक्षक को देखते तो सब कोई अपना मस्तक झुका देते थे। आज शिक्षक को देखते थे नाम सा ऐसे हाथ में देते, अपना सर को झुका देता है। ये जो रिवर्स प्रोसेस सिस्टम में आने लगा है, कहेगा आप यहाँ सुन रहे थे कुछ इंकलाब जिंदाबाद उठा था, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का माहौल दिनों दिन ये जो डिटोरिएट कर रहा है, इसका सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन को अगर दाई करें तो वो ठीक नहीं है, उसमें हमारा भी कुछ कमियाँ है, शॉर्टकमिंग्स हैं, हम सही तरीके से हम बना नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि हम सही तरीके से बने नहीं, निश्चित
ये जो डेवलपमेंट के विकास कहा जाता है शिक्षा के माध्यम से, एक जंतु का बच्चा आपको जंगल में छोड़ देंगे जिस तरह से होता है, मनुष्य का बच्चा को भी जंगल में छोड़ देंगे तो वो भी वो आवाज नहीं कर पाएगा, यानी उसको मनुष्य जीवन से दिवंत में ले जाने का उस ट्रांसपेरेंट लाइफ जो है उस डिवाइन लाइफ में ले जाने का काम तो गुरु का ही होता है। इसलिए गुरु जो है वंदना करते थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु जो है जो अंधकार अज्ञान को छट देता है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का क्रिएटर। जो सृजन करते हैं विद्यार्थी के जीवन में सृजनात्मक ताकत पैदा करेंगे और जो उसमें सृष्टि करेगा उसका जो सस्टेंस सस्टेनेबल होगा स्थायी करने के लिए उसका भरण पोषण करने के लिए विष्णु का काम होता है ना। जो शिक्षकों के आइडिया से बच्चा जो प्राप्त हुआ ज्ञान उसको वो बरकरार रखे वो भी ताकत गुरु को ही देना है, और विद्यार्थी के अंदर में जो विघटनात्मक जो विपरीत बुद्धि अशुभ बुद्धि आसुरिक प्रवृत्ति जो है उसको विनाश करने के लिए भी गुरु ही उसको ताकत देते हैं, वो महेश्वर का काम है। यानी जी और डी जो होते हैं जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर गुरु ही गुरु का ही काम है। अगर किसी विद्यार्थी में कोई गलत भावना है तो उस गलत भावना को भी विनाश करने का गुरु की क्षमता है। इसलिए कहते हैं गुरु ही, पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है बाद में ईश्वर को भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु ही उस भगवान को प्राप्त करने के लिए यही माध्यम बता देते हैं। अब भगवत्ता क्या है, भगवान क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर में सबके हैं। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को जानने का नो माई सेल्फ, ये गुरु ही बता देते हैं। तब हमारा अंदर जो फुल ऑफ कॉन्शियसनेस चैतन्य जो है आत्मचैतन्य आत्मानंद में वो शिष्य जो है, तो गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है एजुकेशन सिस्टम में। उसको इसलिए लाया गया था कि जो बन गया वो बनाएगा, बनाने का प्रोसेस बीइंग एंड बिकमिंग। हम क्या बना रहे हैं, सीप बना रहे हैं या पत्थर बंदर बना रहे हैं। सीप मतलब वो पत्थर नहीं जो सीप बोलते, सीप रिप्रेजेंट द कल्याणकारी शक्ति एनर्जी, बट वही फर्क दिया जो शक्ति जो ताकत दूसरे को दूसरे का कल्याण करता है ये है शिवत्व। इसलिए उस शिवत्व को जगाना, आज वो ढक दिया है अज्ञान में, हर एक के अंदर वो आग है लेकिन राग से वो ढक दिया है, लेकिन गुरु का काम क्या है, थोड़ा हवा दे देना, नॉक कर देना, जगो, आग अपने अंदर में है, तुम स्वयं अपने आप को घोषित कर। कोई भी शिक्षक अगर बोले कि हम पढ़ा करके उसको आदमी बना दिया, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। शिक्षक तो केवल उसको एक्सटर्नली नॉक कर देगा उसके अंदर जो है, क्योंकि सारा नॉलेज उसके अंदर है, उसको उसके साथ परिचित करा देना ही शिक्षक का काम। हम लोग समझते हैं क्या बहुत कुछ पढ़ा दिया हम, मुझसे थोड़ा कोई शिक्षक है ही नहीं, ये हमारा अहंकार। विद्या प्राप्त विद्यार्थी कोई ही जो है हमारा सारा ज्ञान का ही ये बाधक है, ऑब्स्टेकल्स। इसलिए हम लोग कभी अगर कुछ जान करके कहा था कि मैं बहुत जानता हूँ, हमें वो अहंकार है, अहंकार ही पतन का कारण है, अहंकार ही डिटोनेट करेगा, अहंकार ही इस मनुष्य से एनिमिटी में ले जाएगा, और अहंकार का विनाश अगर हो जाए तो फिर वो ऊपर की ओर आत्मोन्नति हो जाएगा उसका कहने। इसीलिए मैंपना अगर है तो उसको पहले उसका निराकरण विद्यार्थी को भी ये भाव देना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि अरे इतना परसेंट मैंने लिया, हमसे कौन बड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया,
अहंकार आने, अहंकार आने से वो कुछ नया कुछ सीखने का उसका क्षमता खो देता है। मैं इतना जानता हूँ, कोई अगर टीचर की हाई मार्क्स लाया तो टीचर पढ़ा रहे हैं, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, देखे दिमाग पर उसी जो नॉलेज है उसके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, कुछ समझेगा नहीं, जानेगा ही नहीं। इसलिए विद्यार्थी को कम से कम उस समय टीचर के सामने प्रकट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको शरणागति होना होना है, सरेंडर करना है, गुरु जो बोल रहे हैं उसको हम सुने समझे। गुरु कृपा तब मिल सकता है, सरेंडर को अपने को करना पड़ता है। विद्यार्थी अगर गुरु में सरेंडर नहीं करेगा तो अपने को सीख नहीं पाएगा, क्योंकि एक बहुत हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में एक फ्लो होता है करंट। जो जानता है, जो ज्ञानी है, वो अज्ञानी में वो रिफ्यूज करेगा। इसलिए हम शिक्षक विद्यार्थी अगर हमारा पास नहीं आता है तो जड़ है उसके पास हमको जाना पड़ेगा, उसको जगाने के लिए। ये हम करते हैं, जो जानता है कुछ वो तो जानता है, उसने थोड़ा सा हिट्स करके वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानता है उसका 10 times मोर इम्पेसिस उस पर देना है, तब जाकर के उसका कुछ। हम लोग जनरल भाषण दे देते हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरी के हैं, सबका मस्तिष्क सबका एक लेवल में नहीं है। जो हाई लेवल में है, जो थोड़ा सा विकसित है, वो बहुत आसानी से ग्रहण करेगा, लेकिन जो विकसित नहीं है उसमें वो समझ नहीं पाएगा। एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका इतना लोअर है, उस अवस्था में हमको जाना पड़ेगा, उसी से उसको उठाना पड़ेगा। ऐसा हम कहते हैं तो वो कहाँ जाएगा? अब बोलते हैं कम नंबर लाए, फेल है, नेट कर देते हैं। इसलिए शिक्षकों का ये भी दायित्व होना चाहिए। आज मास स्कूल में हम लोग तो व्यवसाय के रूप में ये सब चला रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़े नहीं पढ़े हमको क्या मतलब, इतना एडमिशन ले लिया उतना कर देंगे वो हो जाएगा हमारा, ये एक प्रोसेस चल रहा है, बिजनेस प्रोसेस। लेकिन ये भी अगर हम किसी स्टूडेंट्स को विद्यार्थी कराना चाहते हैं, विद्या मतलब जो कि उसका अज्ञानता को नाश कर दे, उसके पीछे हमको पढ़ना पड़ेगा। इतना भी पूरा वो जो कालिदास का नाम आपने सुना होंगे, उससे तो बड़ा मुश्किल नहीं था है? जो गाली काट रहा है उसको वो भी पंडित हो सकता है। गुरु कृपा मिलने से अगर टीचर उसके ऊपर उसके पीछे पड़ जाए तो कितने कितने जड़ जो है चित्र में स्पष्ट मात्र हो जाता है। इसलिए हम जो आज के शिक्षक हैं, इस तरह का पोटेंशियलिटी अपने में डेवलप करें, ताकि हमारे वाणी में, हमारे वचन में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन को देखते हुए विद्यार्थी जो है कि अपने का जीवन जो है कि बनाने का प्रयास करें, उसका इफेक्ट उसमें पड़ेगा। इसलिए शिक्षक गुरु जो डार्कनेस है, जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, स्टूडेंट्स के वो छंट देते हैं, हटा देते हैं। जो मैंने भाषा आ रहा है उतना ये नहीं है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझ में तो यही कह रहे हैं कि ड्यूटी दायित्व कर्तव्य जो है, हम ड्यूटी क्या करते हैं, ड्यूटी इज गॉड वर्क इन वर्शिप। हमको जो वर्क सौंपा गया है वो अगर हम वही बढ़िया तरीके से उसको निकाल दें, संभाल के कर दें, तो ये हमारा ये भजन कहिए, उपासना कहिए, साधन कहिए, नाम जप कहिए, जो भी लोग कहते हैं वो हो गया तपस्या। हमको पढ़ने का काम दिया है, हम बढ़िया तरीके से पढ़ा दें तो वो हमारा आजकल रामनाम हो गया। वो रामनाम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं रामनाम सबके लिए, वो
वो गलत चीज़ है, नहीं यानी मेरा जो ड्यूटी है हमको जहाँ जो ड्यूटी मिला है उसको बढ़िया तरीके से हम करें, तो उससे हमारा जो पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, क्योंकि टाइम बड़ा चीज है उससे बड़ा कुछ नहीं है। हम समय पर अपने जीवन को अगर नहीं बनाया बाल्य काल से अभी तक तो वो तो फेलियर हो जाएगा। इसीलिए हर समय हर पल हर क्षण में हमको सजग रहना होगा, अवेयरनेस में सजग रहने कि मेरा थॉट, मेरा विचार, मेरा चिंता किस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये माइंड जो है ये हर समय पॉल्यूटेड रहता है। चित्त वृत्ति जिसको बोलते हैं, चित्त का मल जो है वो बाहर से सब समय वो चित्त में डालता है। ये जो सोच, ये जो विचार, ये जो कामना, ये जो वासना, ये जो डिजायर, ये जो आकांक्षाएं, ये हर समय जो है कि वो ट्रैक जैसे भरता है लेवर लो विचार में, तो ये हमारे ये जो इंद्रिय सेंस ऑफ अगेंस है, ये बाहर का रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सबको हमारे चित्त में डाल रहा है, और ये कचरा है, ये मल है, और ये मल में हमारा मन जो है मलिन हो गया है। तो ये जो माइंड जो इतना इस तरह से पॉल्यूटेड है, चाहे तो कहिएगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन के नाम पर हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, वो डायरेक्टेड पॉल्यूटेड इंफॉर्मेशन से हम लोग गैदरिंग करते हैं, उससे मल हमारा जम जाता है, गार्बेज ऑफ द माइंड किसको बोलते हैं। उस माइंड से हम अपने आप कैसे हम समझें, उस मन से हम अपने आप को मेरे अंदर जो मैं हूँ उसको कैसे जाने, वो जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा अंदर हमारा स्वरूप जो है मैं जो हूँ उसका रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। मिरर अगर डस्ट में अगर खड़ा हुआ है तो अपना रिफ्लेक्शन किसी भी तरह से नहीं देख सकते हैं, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे तो अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकेंगे। इसलिए मैं जो हूँ खुद मैं कौन हूँ, मैं वो सब चीज आगे, मैं वो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। जो बोलते हैं अपना परमात्मा कहीं बाहर है, नहीं, इट शो इज पोटेंशियल की भाई, वो दिक्कत तो हमारे अंदर में है, उसका प्रकाश उसी को हम अगर कहें रियलाइजेशन है तो रियल रिलीजन उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात अपने अंदर जो आत्मा है उस पर हमारा नजर पड़े तो हम आध्यात्मिक होंगे, उसको भूल करके आत्मविस्मृति महामृत्यु उसको बोलते हैं कि मर चुका है, अपने को भूल चुका है, वो सिवर्त का ज्ञान नहीं है, अपने में जो सिंह है इसको जानकारी नहीं है, इसीलिए वो सिवर्त ठोक दिया है। जो जो जिसका सिवर्त का ज्ञान नहीं है वो तो सब है जिंदाबाद, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, अपने को होश नहीं है, बेहोश में पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, अपने में डूबना होगा। क्यों जाए अभी हम लोग बाहरी जगत के ऊपर आप डरा रहे हैं, लेकिन जब अपने के ऊपर हम आएंगे तो हम अपने को रियलाइज करेंगे तो फिर उस समय दूसरे को भी रियलाइज कर सकेंगे, मेरे अंदर वो है उसके अंदर भी है। इसी को कहते हैं कि ये समदृष्टि है। आज हम कहेंगे कि भाई वो लोग आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, हम लोग साइंस के हैं, ये डिफरेंस नहीं है, ये सब फैकल्टी सारे शास्त्र सारे सब जो है वो एब्सोल्यूट परम एक मास्टर डिग्री से भी उधर ऊपर है, परम तत्व जो है वो तो प्राइमरी मेडिकल स्कूल सेकेंडरी और कॉलेज महाविद्यालय फिर विश्वविद्यालय, तो आप उस विश्व कब तक यूनिवर्स में कब जाएंगे जब हम अपने को रिलीज करें। वसुधैव कुटुंबकम ऐसे नहीं होता है, हमारे परंपरा सनातन संस्कृति भारतीय का जो है वो अपने को रिलीज करके सारा विश्व को उस अपना बंधु समझता है, परिवार समझता है, लेकिन हम इतना आइसोलेटेड हो गए हैं, इतना संकीर्ण हो गए हैं, इतना छोटा हो गए हैं कि मेरे छोड़ करके आप दूसरा को छोड़ नहीं समझते हैं, सुन नहीं पाते हैं, myself, my son and my wife, ये जो छोटा सा न्यूक्लियस परिवार हो गया उससे फादर्स पेरेंट्स जो है वो भी एक्सक्लूडेड हो गए हैं। तो ऐसे में छोटा सा हृदय है संकुचित हार्ट, इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ पार्टी लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्टी डेथ, हमारा हृदय का विस्तार ही जीवन है, यथार्थ जीवन, और संकुचित हृदय तो ये तो बन गया। हम कैसे अपने को बनाए हैं
हमारा जीवन कैसे दूसरे के लिए होगा, लिख पढ़ाना सीख, शिक्षक का जीवन तो दूसरे के लिए है, नॉट फॉर सेल्फ। व्यक्तिगत जीवन उसका नहीं है, उस सबके लिए। ये जीवन अगर बन जाए तो ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो विद्यार्थी अपने जीवन को बनाए, क्योंकि विद्या सही विद्या नहीं है। विद्या दो तरह का होता है ना, एक बड़ा विद्या एक अपरा विद्या। अपरा विद्या ये लोग विद्या जिसे हम लोग कमा करके कोई पढ़ते हैं, ये बड़ा विद्या वो ब्रह्म विद्या है, वो अपने को जानने का विद्या है जो कि हम लोग का हट गया, पहले था बीच में पूरा हट गया, केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक्सटर्नल, खाओ मौज करो कमाओ खाओ यही ना है, कमाओ खाओ कमा करो और घर बनाओ और फिर ये अंग में कुछ नहीं चलेगा। ये सिस्टम जो है दर्शन में है, ये जब दर्शन यही कहा था, जब जीवे सुखम जीवे ऋण अधिकम जीवे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इस लाइफ में लीड करना चाहता है गुरुओं को, अपने आप में वो लोग पराजित हो जाएगा। ये कहानी एक है कि विद्या का गुरु बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है, और राक्षसों का असुरों का गुरु शुक्राचार्य है, तो हर समय लोग तपस्वी बड़े बलवान होते हैं, असुर लोग देवता लोगों का स्वर्ग जो है कि बना देते हैं ले लेते हैं। तो एक बार शुक्राचार्य ने असुरों का जो गुरु है वो एब्सेंट थे अपना कुर्सी से, तो चलाकी से शुक्राचार्य का भेष धर के ये बृहस्पति वहाँ चले गए, क्योंकि अपना शिष्य देवता लोगों को बचाना है, क्योंकि हर समय लड़ नहीं सके, छल कपट कर दी और उसमें ये दे दी चारु मतलब सुंदर वाक्य, चार वाक्य शिष्य सुंदर वाक्य सबको बड़ी मनमोहक हो गया। अरे जावत जीवे तिरंग का खत्म जीवे खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, जावत जीवे सुखम जीवे, उन लोगों को बनाने आ गया गुरु जी, आ गया आदेश दे दिए, खूब खाया खूब पिया और इतना वीक हो गया, दरोगा कंट हो गया, दुर्बल हो गया, लड़ने का ताकत ही नहीं रहा, अपने आप को ही बदल गया। तो चारवा का दर्शन वो भी दर्शन है, वो भी दर्शन है, क्योंकि आदमी उसी तरह से भोग विलास दर्शन काम क्रोध लोग ये सब जो है हमें दुश्मन है, वो प्रवृत्ति में घर कर लिया है और हमको जो है कि बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है, ये दुश्मन के रूप में हमारे घर में घर डाल लिया है, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हम इतना उम्मीद है कि हमारे अंदर वो राज कर लिया है, हमको हर समय जो है कि हर पल में हमको हरा देता है। तो इस तरह से अपने को हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिटी परसिवियरेंस एंड पेशेंस, ये तीन चीज अगर हमें देखना है पंक्चुअलिटी, तो हम स्वयं अपने आप को और अनुशीलन के माध्यम से अनुशासित होकर के अपने जीवन में हम निर्वाह कर सकते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया, अगर पैसा ज्यादा है तो जीवन बन गया, बिल्कुल नहीं, पैसा से अशांति बढ़ता हो जाता है, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर का एक चूहा का उपयोग करते हैं नेट प्लेस, अरे काहे जोग रहे हो ना, मुझे जोग रहे काहे जोग, हमको पता नहीं कहाँ से हमको पता नहीं, तो काहे जोग रहे तो सब कोई तो तुम जोग रहा है, वो कभी स्टैंड होकर के खड़ा होकर के वो अपने को देख नहीं पाया, सिर्फ दूसरे को ही देखा, इसीलिए उसका जो विचार है अशांति है। मन को शांत करना ये सबसे बड़ी कला है, और गुरु लोगों का मन जो है एकदम शांत होना चाहिए, ये एक साधन है, तब हम जो है शिष्य के प्रति अपना अंदर में जो है नॉलेज है उसको हम दे सकते, नहीं तो फिर हम हर एक में जो है कि हम गुस्सा में होते रहे, विजय आए उस विजय का सीलिंग नहीं लगाएंगे, ये अनंत है, आज ये हो गया काल ये होगा, उसके पास वो है हमारा पास ये होना चाहिए, ये जो होना चाहिए जो है उसको भूल गया, व्हाट इज जो अस्तित्व है एक्जिस्टेंस है चेतन में है उसको भूल गया, लेकिन होना चाहिए यानी हो जो हमारे अंदर जो है उसको ना कर दिया, नेगेट कर दिया, जब निगेट करते हैं अपने को तब तो उसमें चाहिए विजय आएगा, हमको ये चाहिए,
होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी मतलब क्या है, इम्प्योर थॉट, मुझे ये होना चाहिए, मैं जो हूँ उसको मैं निगेट करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, वो प्रज्ञा वो आत्मा परमात्मा, जो अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत शक्ति पूर्ण बनती हमारे अंदर है, लेकिन वो दबा हुआ है, उसको हम प्रकाशित नहीं कर पाए, और इस कामना वासना के चक्कर में व्यसन व्यसन में हम हर समय जो है कि बेकार की ओर भिखारी की ओर और मोर को इसका दबदब में हम फंस रहे हैं धीरे धीरे। अगर ये एटीट्यूड हमारा रहे तो हम विद्यार्थी को क्या दे सकते, विद्यार्थी की वही हमसे सीखेगा कि नहीं, बोर रेट को तो और पैसा कमाने के लिए चाहे चाहेगा, पैसा जरूरी है सबको, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ये टेक्निकल दुनिया टेक्निकल वर्ल्ड को भोजन देना चाहिए, लेकिन वो सीमित होना चाहिए, लेकिन एक दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड अर्थात भोजन, वो भी है, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सब फिलोसफर लोग बोले हैं स्पिरिचुअलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेटेरियलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ अनइंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अभाव जिसमें है जहाँ है वो तो भौतिकवाद, भौतिकवाद का मतलब क्या हो गया कि ये बाकी जीवन ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसी में हो, लेकिन इसमें कभी पीस जो है वो नहीं पता, काहे नहीं पता है, लेकिन उसी का तो ये बनाया हुआ है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है, उसी सच्चिदानंद स्वरूप से ये भगवान उसको सृष्टि किए हैं, गॉड क्रिएट किए हैं, उसी में उनका आनंद है, सर्वभूते वो है, सभी में वो है, तो क्यों नहीं हम जान पाते हैं, कि हम अपने को नहीं जाना, उनको नहीं जाना, हम जब जान जाएंगे तो सब में देखेंगे, समस्त दर्शन होगा और फिर वो आनंदमय हो जाए। शंकराचार्य कितना बड़ा साधक थे, अद्वैत सिद्धांत किए थे, नीति 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 करके चले गए उस परम तत्व को रियलाइज किए, फिर बोले यीति यीति करके सब में है, सब में गंगा स्नान में जाकर कुत्ता को देख बुरा बच्चा बन गया, क्योंकि वो शिष्य है, लेकिन वो स्वयं सीख थे और आगे नहीं हुआ है, वो चले रहे थे। तो ऐसे ही जीव जंतु पशु पक्षी सब जो भी है वो उन्हीं का ही सृजन है और उन्हीं में ही वो है, वो परमेश्वर कहिए वो परमात्मा कहिए वो है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उसको जानने का, ये जब हम जान जाएंगे तो फिर ये फेर भाव नहीं रहेगा, क्योंकि सब में वो है, सब में वो देखेंगे हमारे अंदर जो है उनके अंदर भी हुई है, तो ये फेर दृष्टि जो है ड्यू टू द इग्नोरेंस अज्ञानता के कारण हम भिन्न भिन्न देखते हैं, लेकिन नॉलेज हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो फिर सर्वत्र समदर्शन सर्वभूते कोई विराजमान एक ही तत्व है, हमारे अंदर जो है आपके अंदर में वो है, इस तरह का दर्शन अगर हम प्रण लेते हैं तो इसमें सब दृष्टि आता है, ये अप्स एंड डाउन्स का ये हर तरह की जो है कुछ रहेगा नहीं, वो ऐसे विपरीत बनेंगे कि सबके लिए बराबर होंगे और सब उनके लिए बराबर होंगे, वो सब में देखेंगे उन्हीं को और सबको अपने में देखेंगे, इस तरह का जो प्रोसेस है एजुकेशन में जो अभी का तो बहुत दिन से नहीं था, बहुत साल से नहीं था, वो प्रोफेसर कमीशन से आगे से भी निकले 1836 में वो ऐसा एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में लागू किए जो कि हमारे यहाँ के लोग पूरा यूरोपियन हो जाए, यहाँ का जो संस्कार है यहाँ का जो कल्चर है उसको पूरा भूल जाए, और वो हुआ ऐसे होने से अभी हम लोग अपने को भूल करके हमारा संस्कृति को भूल करके जो कोई अच्छा बोल दिया उसे कोई बिना विचारे सोचे अच्छा मान लेते हैं, और फिर बाद में जो है कि निर्णय जब होता है तो फिर तो इस तरह से शायद हमारा समय हो गया क्या जी सर है अभी, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा कंक्लूजन कर सकते हैं, सॉरी तो कि जो चॉइस इज अवेयरनेस जागृति सजग होना उसमें कोई चॉइस नहीं है,
जो कि चॉइस लाभ और उद्देश्य से आता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट से आता है। मन के अनुसार जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम चॉइस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो मन के अच्छा नहीं होता है उसको हम देखिए आजकल जो ब्रिलियंट क्रेडिट ये सब होते हैं ना, तो ये चॉइसलेस, ये न्यूट्रल, ये उदास, उदार बोलते हैं उसको ना, उदार चिंता आनंद वसुंध। हम लोग का केमिस्ट्री में ये पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल है। उसी का कन्वर्सन से, फायर मेसन से कन्वर्ट होने से ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? एक नकारात्मक एक सकारात्मक है, मन में हर समय वो आ रहा है, और उसको जो जो जिसका प्रभाव हो रहा है पॉजिटिव वो सकारात्मक हो गया, अगर नेगेटिव तो नकारात्मक, और नकारात्मक विचार जो है हमें हर समय जो है कि नष्ट कर रहा है। इसीलिए भी पॉजिटिव ऑलवेज सदा सकारात्मक विचार में ही हमको जीना है, या फिर उदास न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो फिक्स होता है, होता है लेफ्ट राइट, इसमें ये हर समय इम्बैलेंस रहता है, आधुनिक आइसोलेटेड ये ऑसिलेटेड रहता है, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा आपका जब माइंड के साथ हो जाएगा। इसी को कहते हैं योग में समर्थन योग होती है। तो ये दोनों का मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक, ये दोनों का अगर मिलन हो जाए, समर्थ संतुलन हो जाए, अपने जीवन में है युक्त हो जाएगा, उससे उस परम तत्व से उस परमात्मा में जीवात्मा मिलन हो जाएगा। यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है, वही शिष्य वो गुरु में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीवात्मा उस परमात्मा में मिलन हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना पी एच डी मिलने के बाद जो गुरु भाई बार रहते हैं इक्वल डिग्री हो गया तो हैंडशेक कर दिया, तुम लेकिन इक्वल स्टेटस में आ गए, शिष्य उसके पहले था। इसलिए उस परम तत्व में जाने के लिए, परम तत्व हम लोग इसी को मास्टर के रूप में कहते हैं, वहां पर उसके बाद अब तक तो बहुत सारा एक्टिविटी सब आ गया है, उसमें भी हम लोग को तैयार होना है, और उस परम को प्राप्त करने के लिए हमें प्यूरिफाई होना होगा। जितने सारे बहुत सारे बोले पेपर राइटिंग का और ये सब का जो है बहुत जरूरी है, तो लाइफ बिल्डिंग में भी जीवन निर्वाह करने के लिए हो गया, नौकरी मिल गया है, पैसा मिल रहा है, लेकिन उस जीवन को निर्वाह करने के लिए हमको कुछ करना है, सतत प्रयास करना है, तब जाकर के हमारा मुक्ति हो सकता है, निर्वाण हो सकता है। मोक्ष मतलब सभी तरह का दुख और कष्ट से छुटकारा, सभी तरह का बंधनों से मुक्ति, फ्री हो गए। ये फ्री होना जीवन का लक्ष्य रहता है। हम लोग हर समय जो है कि अंतिम मरने के अंतिम क्षण तक मेंटली रजिस्टर करते हैं, मानसिक बंधन में सांस जाएगा वो पोता का पोता आता तो उसको देख लेते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो मेंटल रजिस्ट्रेशन मानसिक बंधन, नेक्स्ट बात में हम फिर इस दुनिया में मुक्ति जो है उसे नहीं मिला, बंधन मिला। तो ये बंधन मुक्ति विद्या सारूप में, विद्या वही है जो हमको मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है। वो अगर विद्या अर्जन करें, भारतीय विद्या अर्जन विद्या को अर्थी बना दिया है, पंडाला चढ़ा करके ले जा रहा है, इनकलाब देता मरता है तो क्या करेगा। लेकिन रियल विद्या की वही है विद्या बताती विनय, विनया बताते पात्रता, पात्रता धनम आपको की रात धर्म तब सुखम, वो सुख रियल सुख पाने के लिए हमको ये विद्या अर्जन करना होगा। हम लोग जो विद्या अर्जन करोगे, विद्या धन कमाने का, पैसा कमाने का, एनमेजिंग एजुकेशन एनमेजिंग शिक्षा जो ले रहे हैं उसे पात्र बन रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो हमको जो बहुत बढ़िया लड़की मिल जाएगा, शादी कर लेंगे या घर संसार बैठाएंगे, और उससे क्या विद्या लगा दी विनय, ये विद्या तो विनय नहीं देता है एकदम सर प्रणाम सर है जो कर रहा है नम्र तो है नहीं, फिर उससे जो पैसा कमा रहा है वो उससे पात्र तो नहीं बने। आधार उस ईश्वर तत्व भगवत तत्व सेल्फ रिलेशन का जो बेस बनना है
उसको पात्रता कहा जाता है। तो पैसा वाला पात्र तो उसको तो मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। धरात धर्म, वो ये धर्म से धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। बहुत पैसा होगा तो दुआ करेगा, इधर उधर जाएगा, धर्म पिएगा, सब चीज बर्बाद करता है, उससे दुख होगा, सुख के बजाय। ये पात्र इससे मिलने से भगवत तत्व या ईश्वर तत्व आत्म तत्व ज्ञान लाभ करने से जो उसको धर्म मिलता है। धर्म का मतलब क्या है? रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जो दिव्यता है उसका प्रकाश विकास ही धर्म है। ये रूप मनुष्यत्व जो है देवत्व, ये एनिबिलिटी जो है मनुष्यत्व से मनुष्यत्व में, मनुष्यत्व से देवत्व में उन्नत होना ही रियल धर्म है। आज हम लोग जो ये ट्रिलर पता ये सब करते हैं झंडा और सब, ये रियल धर्म नहीं है। ये तो सेक्टर है, ये तो सेक्टर का है, ये प्रतीक। धर्म का मतलब जो धारण करता है, रिलीजन रियलाइजेशन से आता है, सेल्फ रियलाइजेशन। और वो कैपिटल लाभ होता है आर रियलाइजेशन, रियल रियल वास्तव में। रिलीजन ये स्मॉल आर जो है ये हमारा एशिया का हिंदू संप्रदाय सब तो बहुत अंतर है। हमें उस धर्म को प्राप्त करना जो कि हम धार्मिक बनेंगे वो अर्थात उसको कहा जाता है आत्मप्रधान होगा, देह प्रधान है। हम लोग सब देह प्रधान है, शरीर प्रधान है, देह में सब कुछ मानते हैं, है ना। लेकिन जनक राजा क्या थे? राजा भी थे और भी रही थे, राजकर्म राजा सिंह थे। तो ये शरीर में रहते हुए सब लोग रहेंगे, लेकिन वो आत्मतत्व में वो लब नय हो जाएगा तो फिर वो देह हो जाएगा, जो शास्त्र में उसको समाधि समझते हैं। विवेकानंद के गुरु जी जो थे वो हर क्षण में जो समाधि में होते रहते, यानी दुनिया का ये प्रकृति को भूल जाते थे, फिर भी वो आत्मस्थ होते। शरीरस्थ होना, देहस्थ होना और आत्मस्थ होना दोनों अंतर है। जब तक ये देह ज्ञान है हम भौतिकवाद है। ये देह जो है, ये शरीर जो है, ये पंचभूत से बना हुआ है, भौतिक रियलिटी जो हमारे अंदर स्पिरिट जो है, चैतन्य जो है, एनर्जी जो है अंदर में, उस एनर्जी को प्राप्त करना, उसमें शक्तिमान बनना, उसमें आनंदमय रस ग्रहण करना। अभी हमारे वहाँ मैडम भेजी थी कुछ लड़के को केमिस्ट्री के बारे में, वो बोले कि कैसे करते हैं। तो केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है, इसका रसायन जो समझ जाएगा तो सर्वदा जो है रसानंद होगा, उस रस को प्राप्त करेगा, वो आनंद में सब समय रहेगा। केमिस्ट्री तो कोई पढ़ता नहीं है, बड़ा झगड़ा कॉम्पिटिशन रहा और पढ़ गया, इसी में है करप्शन। केमिस्ट्री सी जो है हम कार्बन बोलते हैं, और वही कार्बन जो है कि कोयला भी बनता है और डायमंड भी बनता है, उसको लोग जला देता है जब तो राख बन जाता है, लेकिन उसी उसी को सामने टेम्पर कर पैसा कर डायमंड बनता है, कितना कीमती होता है। तो ये लाइफ है, ये वैल्यू लाइफ होगा सेल्फ रिलेशन करने से कीमती हो जाएगा फिर आगे ये सब। लेकिन इस जीवन को हम अगर नहीं समझे, नहीं जाने, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग राख बदल देते हैं, कोयला बना देते हैं। तो ये एच सी एच होता है, ये एच जो है ये थ्री एच का, ये हार्ट हेड और हैंड, ये तीनों, ये हैंड जो है ये कर्मयोग का प्रतीक है, ये जो है मस्तिष्क ज्ञान का नॉलेज, और ये हार्ट जो है ये रेस्पेक्ट श्रद्धा। तो कोई भी काम हम करेंगे बिना ज्ञान का वो कर्म नहीं हो सकता, और बिना श्रद्धा का, बिना भक्ति का ये नहीं हो सकता है। तो किसी भी वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए तीनों का समझना चाहिए, हमारा कितना उसमें श्रद्धा है, कितना रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हम अपने करते हैं कभी? आत्मश्रद्धा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, अपने पर कभी विश्वास किए हैं? कभी नहीं किए, सिर्फ पेट 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 इन लोग से अपने पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगा। हम हर समय दूसरे के पक्का ही करना नहीं होगा, ये थोड़ा ये करो, ये जो दूसरे के ऊपर निर्भर करना ये सबसे बड़ा दुख है संसार में। छह दुख है आप जानते हैं ना, क्या सुख भी है संसार में, क्या है? अगर आपका हेल्थ ठीक है, शरीर अगर ठीक है, रोग है, रोग स्वस्थ तो आप सुखी हैं। अगर रोग ग्रस्त है, अगर रोग ग्रस्त क्यों है? अभी खूब चाव चमी और मसालादार जाकर खा रहे हैं,
यूथ पीरियड जो है उसी में बीमारी आ गया और दुख का कारण हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं रहा। दूसरा है अर्थात, क्योंकि हमारा जीवन अर्थ केंद्रित हो गया है, पैसा आएगा तो सुख होगा, इस पैसा से वो करेंगे, इस पैसा से वो करेंगे, इस ये जो कामना का पूर्ति करता है पैसा, और कमाएंगे तो और करेंगे, और उसका है तो ये सब इसे सुख होता है। अर्थात डेली आज जो नौकरी हुआ तो उसके हिसाब से आता है अर्थात। तीसरा है प्रियमदा स्त्री, ऐसा स्त्री हो कि बहुत सुंदर पानी बोले, अगर कर्कश पानी बोले, रूढ़ बोले तो उसमें दुख होगा, शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उल्टा दीजिए, बस ये तो पुत्र संतान जो होगा वो आपके अंदर में रहे, वो तो आजकल तो पापा हमें ये चाहिए, मारेंगे उल्टा तो मारेंगे उल्टा बोल दे, बस ये तो है नहीं, दुख होगा। अगर बस ये तो पुत्र होता तो सुख होता, फिर संतोष, संतोष को धुआं के रूप में कहा किया है उसको पता ही नहीं। जीवन में किसी का अगर संतोष है तो वो सुखी है, अगर असंतोष के हर समय है तो वो तो दुखी होना ही है। फिर लास्ट में रह जाए तो निर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, हम जितना हो सके अपना काम अपना करें, अगर दूसरे के ऊपर निर्भर करें तो फिर दुखी दुख है। चार को दस को रख दिए हैं, एक दिन वो नहीं आया, एक दिन वो नहीं आया, उसका काम नहीं हुआ तो इसका काम नहीं आया, फिर अपने बर्तन बनने पड़ा तो फिर कष्ट ही कष्ट है। इस सुख के लिए, जिस सुख पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वही हमारा दुख का कारण ही हो रहा है, ये समझदारी हमको है नहीं। इसलिए हमने सुख और दुख के बारे में ये दो बात है, वो चक्की पिसता है ना चना, उसी के अंदर ही ये पिसा जाता है जीवन। ये दो फल है, चाहे तो सुख चाहे तो दुख। आप अगर अच्छा कर्म किया तो पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, अगर खराब काम किया तो इस पर मिलेगा तो बहुत है। अभी घंटा घंटा आज आज पहले जिंदगी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस जो आने लगता है तो उसे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि विराट एसेंस जो है, क्योंकि खैर जो एक दैवी संपत्ति है, अस्थिरता चंचलता ये आसुरिक संपत्ति है। हम अगर असंतुलन में है, अधैर्य है, तो हमको वो आसुरिक शक्ति ग्रास किया है। ऐसे आप लोग की थोड़ा बात बोल करके हमें भी ठीक लगा, चाहे गलत लगा, आप लोग जानते हैं समय बिता दिया, समय का काम हो गया, बाहर से पढ़ना भी हो तो पढ़ना, कॉलेज में जब है ये काफी है ना, उल्टा पटा के सोचता है, बहुत सारे क्या लगेगा सोचेगा, बहुत सारे का विचार था क्या नहीं कहते। तो आप सभी लोगों का आदर से सुनने और अगर कुछ गलती हो तो उसको माफ कर दीजिए, हमारा बोली में पानी में भाषा में अगर कहीं तो होता ही है, संस्कृत में एक श्लोक है, सावित्रायामुक्तये, सर आपका उद्बोधन सुनने में बहुत अभिभूत हुआ, हम और प्रशांत जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपने जैसा बोध कराया, शिक्षक और शिक्षा का जो मूल कर्तव्य होता है आपने पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया, हमारा आत्मा जो है आलोकित हुआ, जीवन का जो मूल तत्व है, शिक्षा का उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण, और शिक्षा का और एक उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, आपने उसको ना कहकर भी कह दिया, आपने बहुत अच्छा कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं पूरी सभा की ओर से आपका हार्दिक
धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया। और जो आज के सेमिनार के जो संयोजक हैं डॉक्टर एस के सेन गुप्ता सर को भी धन्यवाद। अंतिम में जो आपने सर जो वक्ता रखा वो बहुत ही सार्वभौमिक रहा, सफल रहा, धन्यवाद। हेलो हराधन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आज का जो सेमिनार जो फैकल्टी इंडेक्स पे था वो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर एस के सेन गुप्ता सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। Principal, present excellency, teachers and my dear friends, I thank our college for giving me the opportunity to express my gratitude on this special day. On the behalf of the college, I express my heartfelt thanks to our guests and all the resource persons. I would like to thank the organizing team, teachers and staff members. Finally, I once again thanks the resource persons, all officers of the institute and our teachers participated in the seminar. Thanks again for making this seminar successful. Thank you, and I am concluding this seminar. Okay.